तो आज हम बना लेते हैं कुछ हेल्दी सा, जिसे खाकर पूरे दिन एनर्जी बढ़ी रहे और जिसको वेट लूज करना है वो भी नाश्ते के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उनके लिए होगा ये काफ़ी फ़ायदेमंद। एक बार आप सवेरे इसका नाश्ता कर लेते हैं तो पूरा दिन आपका पेट भरा रहेगा और आप ज़्यादा खाना भी नहीं खा पाएंगे। ज़्यादा खाना नहीं खा पाएंगे तो वेट आपका लूज हो ही जाएगा। तो हमने यहाँ ले लिया है 2 कटोरी बेसन, आधी कटोरी सूजी, अजवाइन, काला नमक, थोड़ा सा मीठा सोढ़ा और काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, साथ ही में हल्दी पाउडर। अच्छे से इसे हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पतला सा बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। तो कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली में, आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। और अपना कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। अच्छे से हम इसका बैटर बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। आप ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करना, आप सभी को पसंद आएगी। अगर आपके पास दही है तो आप यहाँ 2 से 3 चम्मच दही यूज कर लीजिए। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने यहाँ नहीं डाली है। अब हम इस बैटर को रख देंगे 15 मिनट साइड में। 15 मिनट के बाद ये हम यहाँ पर चीला बनाना शुरू करेंगे। आज हम बनाने वाले हैं एक ही बैटर से 3 प्रकार के चीले। हेल्थी होंगे सभी के लिए, छोटे हो या बड़े, बूढ़े हो या बच्चे, सभी खाकर एकदम खुश हो जाएंगे। तो हमने यहाँ लोहे का तवा ले लिया है, साथ ही में डाल दिया है 1 चम्मच ऑयल। घी भी आप यहाँ यूज करना कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मैंने यहाँ 1 चम्मच बैटर को फैला दिया है, साथ ही में इसमें डाल दिया है प्याज और हरा धनिया। बबल्स उठ रहे हैं हमारे बैटर में, ये है कि हमारा बैटर अच्छा बनकर एकदम तैयार हुआ है। साइडें हमारी पक चुकी हैं, ये देखिए दिख रहा होगा क्योंकि आपकी साइडें पक चुकी हैं। अब हम इसे पलट कर थोड़ा सा और पका लेते हैं और डाल लेते हैं इस पर ऊपर थोड़ा सा ऑयल। एकदम बिल्कुल हेल्थी सा नाश्ता हमारा बनकर यहाँ पर तैयार होएगा। आप चाहे तो बच्चों को इसे टिफिन में भी दे सकते हैं। अब डाल लेते हैं दूसरे वाला बैटर, अच्छे से हम इसे फैला देंगे। फैलाने के बाद हम इस पर डाल देंगे टमाटर और प्याज। आप इसमें और भी सब्ज़ी ऐड करना चाहे तो इसमें कर सकते हैं, और भी सब्ज़ियाँ डालकर बच्चों को अच्छे से सब्जियों को खिला सकते हैं और बच्चे यहाँ मना भी नहीं कर पाएंगे। इस पर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही में डाल देंगे पनीर। भर भर कर हम यहाँ पर अच्छे से पनीर डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा चीला बनकर अच्छे से तैयार हो गया है। थोड़ा सा साइडों में ऑयल और डाल देंगे, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा एकदम कुरकुरा सा नाश्ता बनकर हो गया है तैयार। गर्मा गर्म सर्व कीजिए आप इसे चटनी या सॉस के साथ। तो ये वाला चीला हमारा बनकर तैयार हो गया है, अब हम इसे उतार लेते हैं। साथ ही में चल पड़ते हैं हम तीसरे डोसे की तरफ। तो हम यहाँ इस बैटर को अच्छे से फैला देंगे। जितना बड़ा तवा आपके पास है उतना बड़ा चीला आप बना सकते हैं। तो हम इसे पूरे तवे पर अच्छे से फैला देंगे। ये वाला चीला हमारा दोनों चीलों से बिल्कुल अलग सा बनेगा और बिल्कुल टेस्टी भी ये बनेगा। टेस्टी तो वो भी है लेकिन ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी यहाँ पर बनकर तैयार होने वाला है। तो हमने यहाँ डाल दी है प्याज और टमाटर कटिंग किए हुए, साथ ही में डाल देंगे हम यहाँ पर भरकर हमारा पनीर। तो ये हमने यहाँ पनीर डाल दिया था, साथ ही में हम डाल देंगे चीज़ जिससे ये बिल्कुल टेस्टी लगेगा। तो हुआ ना ये दोनों चीलों से भी और टेस्टी चीला। अब तो बच्चे बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएंगे कि हम यहाँ चीला यहाँ नहीं खाएंगे, वो भी आपसे मांग मांग कर और छीन कर भी खाने को तैयार हो जाएंगे। तो हमने यहाँ डाल दिया है हरी चटनी और सॉस। साइडों से तेल डालकर हम इसे 2 मिनट तक पकाने के बाद ये देखिए हमारी चीज़ बिल्कुल हो गई है मेल्ट। अब हम इसे ध्यान से फोल्ड यहाँ पर करना है ताकि हमारे हाथ ना जलें। एकदम से कुरकुरा और चीजी सा हमारा चीला बनकर तैयार हो गया है। अच्छे से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम इसे उतार लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो सभी के लिए हेल्थी सा हमारा नाश्ता बनकर हो गया है तैयार। आप इसे सर्व कर सकते हैं हरी चटनी और टमाटर केचप के साथ।